सुबह के 4:30 बजे हैं अभी और चिड़ियाओं की आवाज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। सुनिए। कितना प्यारा फूल खिल रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हाँ हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ये देखिए कितने खूबसूरत से फूल हैं, जो ये सुदर्शन के फूल हैं ना, मैंने बाहर आ आ के देखती रहती हूँ, इतने खूबसूरत लगते हैं मुझे ये। मेरे लिए एक टास्क और आ चुका है, ये मैंने पॉट बनाया था और ये क्या हुआ, इसमें क्रैक्स तो पहले ही आए थे बट मैं इसे कल उठा रही थी तो ये टूट कर मेरे पैर पर जा गिरा और पैर में भी चोट लग गई। फिर मैंने इसे ऐसे ही रख दिया। अब इसके लिए मुझे कोई पॉट ढूंढना पड़ेगा। मासूम से पौधे, आलसी से पौधे और बिल्कुल आलसी वाले बच्चे। ये देखिए आर्चिक की शीश है और जो कि बिस्किट खा रही है। तो भाई साहब ये आ गए हैं हमारे प्रेस के सारे कपड़े और इन कपड़ों को कर देते हैं अब अलग अलग, जिसके कपड़े उसकी अलमारी में भी जाएंगे। और ये तो एकदम हैप्पी है, बढ़िया वाले ये तो चल रहे हैं। और ये भी बहुत खुश है, स्पाइडर प्लांट, और ये भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। कितनी गोल्डन लीफ लग रही है ना। आज नाश्ते में मैंने बनाए हैं दाल के पराठे। रात की दाल मूंग की दाल बनाई थी, किसी ने भी नहीं खाई, आटे में मिला दी, अब खाएंगे सारे के सारे। ये किस काम आएगा, चलिए बताते हैं हम आपको ये किस काम आने वाला है। ये आए हैं हमारे मिस्त्री साहब। हेलो मिस्त्री जी। राम राम जी। राम राम। माय नेम इज मकसूद भाई। योर नेम इज मकसूद भाई। ओके, तो ये देखिए बेल्ट में करने वाले हैं ये छेद। जी खुश हो गया कि अवार्ड मिल गया भाई प्री फंड में। हाय गाइस, राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप, होप अच्छे होंगे। मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। पीछे चल रहा है डांस। आओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। ये है ड्रामेबाज माँ बेटे की जोड़ी। तो भाई साहब सारा काम हो गया है और अभी ये देखिए यहाँ पर जो है प्रेस के कपड़े पड़े हैं। अभी सारा यहाँ से जो मेरा रूम है ना वो अभी संगवाना बाकी है। बाकी तो झाड़ू पोछा कपड़ा लत्ता बर्तन सब हो गया है। इसने फैलाया है, इसने फैलाया, इस बंदे ने, ये जो बंदा ना इसने फैलाया सारा रूम। तो गाइस अब हम कुछ कर लेते हैं काम। शुरू करो अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। और अंताक्षरी तो बाद में खेलेंगे, पहले कर लेते हैं कुछ काम। कितना घटिया जोक मारा है मैंने भाई साहब। ये देखिए, ये देखिए, पता नहीं अर्ची क्या हो रहा है भाई। 24 घंटे अपने डोले शोले दिखाता रहता है। ए दिल
कोई पहचाना नहीं, किसी ने भी जाना नहीं, किसी ने भी माना नहीं, किसी को बताना नहीं, दर्द छुपा है कहाँ। ऐ दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है अंदर कोई रोता है। ये देखिए कितने खूबसूरत से फूल है भाई साहब, ये इतने ऊंचे हैं फूल, मुझे देखने के लिए ना नीचे करना पड़ता है, ये इसकी जो टहनी है ना वो नीचे करनी पड़ती है। ये ओलियंडर के फ्लावर्स हैं, यानी कि कनेर के प्लांट फूल हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है, देखिए कितने नीचे है, मेरा हाथ भी नहीं जाता वहाँ तक अगर ये सीधा रहता तो। पहले मैंने नीचे करती हूँ, फिर इनसे इस तरीके से मैं वीडियो बना लेती हूँ इसकी। ये देखिए भाई साहब, एक बार के कपड़े तो वॉश हो गए हैं, दोबारा के रह रहे हैं, अभी दूसरों को मैं फिर सुखा दूँगी। और आर्चिक हो चुका है रेडी कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज में कुछ काम है, लास्ट डे है आज, मतलब कुछ पेपर्स लेके आने हैं मेरे बच्चे को। ओले ले ले ले, मेरा छोटा सा बच्चा है ये, इसको लेके आने हैं। लंच बॉक्स रख ली, मम की बोतल रख ली, चीजी के लिए पैसे दे दो। नहीं, बाजार की चीजी नहीं खाते हैं। मैंने लंच बॉक्स में तेरे लिए एक पार्ले जी का पैक रख दिया बिस्किट का, और पूरी, एक पूरी रख दिया और सब्जी रख दिया, ठीक अचार के साथ रखा है। हाय मजा आ गया। ला 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 ला। चलिए वही देखते हैं मशीन हुई या नहीं। 3 मिनट्स लेफ्ट, इसमें तो देखूंगी मास्क है क्या तेरा, सूखेगा कैसे, बाहर तक जाएगा तो सूख जाएगा। अरे नहीं सूख, बाहर ब्लू रखा है, ब्लू कलर का, ब्लू नहीं मैं दे देती हूँ। अरे ब्लू वाला, अरे वो धुला हुआ नहीं होगा तो दूसरा झाड़ लूंगा, वैसे तो रख लेना उसे। अबे सुअर इधर है, रुक जा, अगर चला गया ना तो पिटेगा बहुत जोर से। अरे बाबूजी 100 रुपए तो दे जाओ बाबूजी, क्रेडिट कार्ड चलेगा? क्रेडिट कार्ड नो, बिटकॉइन, आई वांट कैश, बिटकॉइंस ले लो। नो नो नो, आई वांट कैश ओनली। किसका डब्बा? उसका चश्मा। हम किसी चीज का डब्बा नहीं देखते क्योंकि हम हैं और आप हैं। घर हो रहा है एकदम सुनसान, सन्नाटा बिल्कुल, किसी की आवाज नहीं, कुछ भी आवाज नहीं, बच्चे भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और इस सन्नाटे से ना अंदर दिमाग में ऐसे ऐसा लग रहा है पृथ्वी की घूमने की आवाज आ रही है, और मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख। तो चलिए भूख का साथी चाय, चाय पी लेते हैं। तो चलिए चलते चलते मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो कल के लिए क्यों रोएं, जब कल का दिन देखा ही नहीं तो कल के लिए क्यों रोएं, आज के दिन हंस सकते हैं तो कल के लिए क्यों खोएं। तो इसलिए हर दिन हंसिए, हर आज हंसिए, अगर आज हंस सकते हैं तो आप हंसिए, कल के लिए चिंता मत कीजिए, उस चीज की ऊपर वाला है ना। इसीलिए बस आज खुश रहिए, जब कल आएगा तो कल भी आज बन जाएगा, तो उसमें भी आप खुश रहेंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी रखिए हमेशा, और खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए, और बस यही गाना गाते रहिए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। चलिए भाई चाय तो बना ही लेते हैं, और खुश रहिए, हंसते रहिए, और बबीताज ग्रीन प्लेनेट देखते रहिए। ला 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 ला, हम हैं वही, हम थे जहां। अच्छा एक बात बताओ, बताओ मत, सिर्फ देखो और फिर सोचो, हंसी आए तो हंस देना। आपने कभी अकेले हो घर में तो मिरर के सामने खड़े होके, यानी कि शीशे के सामने खड़े होके, आपने कभी टेढ़े मेढ़े मुंह बनाए?
एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्स वाई जेड जैसे भी बनाए कभी आपने वो? बनाए तो होंगे, क्योंकि कोई भी बंदा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी मैच्योर हो जाए, कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, बट उसके अंदर ना एक बच्चा छुपा हुआ होता है हर बंदे के अंदर। वो बाहर चाहे कितना भी ओ माय गॉड मैं तो सिर्फ यूं ही बैठ सकता हूँ, मैं तो सिर्फ ऐसे ही रह सकता हूँ, और मैं तो सिर्फ ऐसे ही रह सकती हूँ, ऐसे रहता है ना जो बंदा कि नहीं मैं तो बीच में सब पब्लिक के बीच में ऐसे ही रहता हूँ। लेकिन अकेले में कभी आपने कभी कुछ ऐसा किया है जैसे टेढ़े मेढ़े मुंह बनाए? बना रखे होंगे, अगर बनाए हो ना तो हंस लेना ठीक है, और फिर दोबारा से अभी के अभी बना के देखो, फिर से मज़ा आएगा। और उस बचपने को ना ख़त्म मत होने देना कभी भी। जब हमारे अंदर से बचपना ख़त्म होने लगता है ना तो समझो जीने की इच्छाएं कम हो जाती हैं। उस जीने की इच्छा को कभी कम मत कीजिए, अपने अंदर का बचपन हमेशा जगा के रखिए, जिंदा रखिए उस बचपन को। उस बचपन से हम यंग बने रहते हैं और हम इस धरती पर जीने के लिए आए हैं, बस काम पूरा करके चले जाने के लिए नहीं, जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, इस हसीन दुनिया को देखने के लिए आए हम। क्यों जाएं? ऐसे नहीं जाएंगे, बुढ़ापे में भी बचपनों वाली हरकत करेंगे हम, तो ऐसे ही करिए आप भी। चलिए मैं अब चाय पी लेती हूँ। कभी ऐसे चाय पिए दोनों हाथों से? बच्चे पीते हैं ना ऐसे, तुलसी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जब दोनों हाथों से चाय पियेंगे ना, बहुत मजा आएगा। भाई सब लंच टाइम हो गया है और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, किचन में घुसने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, और मुझे बनानी है तोरी।